सर्वोदय नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों को पीयूषम ध्रुत पाठाय भाग दो दशम वर्ग के छात्रों को पाठ 10 संस्कृतेन में जीवनम अध्यापन करा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए, ध्रुत पाठ मतलब शीघ्रता से किस तरह से इन श्लोकों को पढ़ा जाता है उसको देखिए, लय ताल किस तरह से है उसको सीखिए। एही मित्र हे सुधीर त्वां विचिन्तये सदा, इह सखे समं मया हि खेल नंद संततम, संस्कृतेन खेलनं कुर्महे सखे चिरं, तेन वाग्विवर्धनं प्राप्नुयाम सत्वरं। काहे मित्र हे सुधीर, तुम सदा चिंतन करो, यह संस्कृत जो है भाषा जैसे मित्र खेल में आनंद देते हैं उसी तरह खेल के तरह आनंद देने वाला है, सदा आनंद देने वाला है। संस्कृत में खेलना, काफी देर तक संस्कृत में खेलने से वाक विवर्धन होता है, वाचन शक्ति में विचित्रता आती है, वाक्पटुता बढ़ती है, बोलने की कला प्राप्त होती है, शीघ्रता से बोलने की कला प्राप्त होती है। संस्कृतेन लेखनम सर्व बाल रंजकम, तेन शब्द रूप से प्राप्यते सखे बरम। संस्कृत में लिखने से सभी बच्चों को बालकों को मनोरंजन होता है, उससे शब्द रूप की सिद्धि होती है, शुद्ध शब्द रूप ज्ञान प्राप्त होता है। हे मित्र, संस्कृत में खेलना बहुत ही आनंददायक होता है। संस्कृतेन भाषणम सर्वकर्म नाशकम, तेन रंजिता भवन्ति सर्वदेव देवता। संस्कृत में भाषण देने से अहंकार का घमंड का नाश होता है, उससे समस्त देवी देवताएं प्रसन्न हो जाते हैं। संस्कृतेन चिंतनम सद्गुणाभिवर्धनम, संस्कृत में चिंतन करने से विचार करने से सद्गुण की वृद्धि होती है, अच्छे गुण आते हैं। तेन मान संसखे स्यात् सदा सुखान्वितम्। हे मित्र, संस्कृत के चिंतन करने से सद्गुण की अभिवृद्धि होती है और उससे मानसिक सुख प्राप्त होता है। हे मित्र हे सुधीर, तुम सदा चिंतन करो, संस्कृत में खेलने से संस्कृत में बोलने से मित्र के साथ जिस तरह से खेल खेला जाता है उस तरह से आनंद प्राप्त होता है। संस्कृत में खेलना काफी देर तक आनंददायक होता है, संस्कृत में खेलने से वाक विवर्धन होता है, वाचन शक्ति में विचित्रता आती है, इसलिए आइए हम लोग संस्कृत में शीघ्रता से वाचन करें, पढ़ें और खेलें। संस्कृत में लिखने से बच्चों को मनोरंजन होता है, उससे शब्द रूप की सिद्धि होती है और शुद्ध शब्द रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं हम। संस्कृत में भाषण देने से अहंकार का नाश होता है, उससे समस्त देवी देवता प्रसन्न होते हैं। संस्कृत में चिंतन करने से सद्गुण की अभिवृद्धि होती है और उससे मानसिक सुख प्राप्त होता है। बच्चों, इस पाठ का प्रश्नोत्तर आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप उसे अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारें और याद करें। धन्यवाद। प्रश्नोत्तर देखिए, संस्कृतेन वाग्विवर्धनम् संस्कृतेन कथम जीवनम् अस्ति,
कहते हैं संस्कृत में जीवन कैसे है, तो संस्कृत के द्वारा संस्कृतेन वाग विवर्धनम भवति, संस्कृत के द्वारा वाचन शक्ति में विचित्रता आती है, शब्दस्य रूपस्य सम्यक् ज्ञानं भवति, शब्द रूप का अच्छी तरह से ज्ञान होता है, देवता प्रसन्न होते हैं, सद्गुण की वृद्धि होती है, सद्गुणा विवर्धनम च भवन्ति अस्मात्, इसलिए संस्कृतेन मे जीवनम अस्ति, इसलिए संस्कृत में मेरा जीवन है। दूसरा प्रश्न है, संस्कृत भाषायां वाग् विवर्धनम केन भवति, संस्कृत भाषा में वाग् विवर्धन किस तरह से होती है, तो संस्कृतेन लेखनेन भाषा शुद्धि भवति, संस्कृत में लिखने से, पढ़ने से, चिंतनेन च, और चिंतन करने से वाग् विवर्धनम भवति, संस्कृत में लिखने से, पढ़ने से और चिंतन करने से वाचन शक्ति में विचित्रता आती है, वाग् विवर्धन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, संस्कृतेन लेखनेन भाषणेन चिंतनेन च कानि भवन्ति, अर्थात संस्कृत में लिखने से, भाषण देने से और चिंतन करने से क्या क्या बढ़ते हैं, क्या क्या होते हैं, तो कहते हैं कि संस्कृतेन लेखनेन भाषा शुद्धि भवति, संस्कृत में लिखने से भाषा की शुद्धि होती है, शब्दस्य रूपस्य सम्यक् ज्ञानं भवति, और शब्द रूप का सम्यक् ज्ञान होता है, भाषणेन और भाषण देने से, बोलने से, प्रार्थना करने से देवता प्रसन्न भवन्ति, देवता लोग प्रसन्न होते हैं, वाग् विवर्धनम च प्राप्यते, और वाचन शक्ति में विचित्रता को प्राप्त करके, तथा चिंतनेन, तथा चिंतन के द्वारा सद्गुणा आयान्ति, सद्गुण आते हैं। इसलिए हे मित्र, हे सुधीर, हे बच्चों, संस्कृत भाषा में ही मेरा जीवन है। धन्यवाद।